वेलकम टू गो वर्ल्ड इन इंडिया। आपका गो वर्ल्ड इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको लिए जा रहा हूँ कुंभलगढ़, राणाओं की वो धरती जिसने अपने आप में राजस्थान में सबसे बड़े नाम किए। वैसे बता दूं कि कुंभलगढ़ को राणा कुंभा ने बनवाया था, और बताया जाता है कि राणा साहब, खासकर कुंभा साहब की बात करें तो वो सभी राणाओं में सबसे ऊँचे थे। उनका कद लगभग 8.3 फीट था, जो कि एक मॉन्स्टरस रहे होंगे। मैं चाहता हूँ आप इस जगह को खास देखिए। हम घाटियों के बीच में से निकल रहे हैं, जरा देखिए कितना खूबसूरत है। तो गो वाइल्ड इन इंडिया के सफर में हम जा रहे हैं कुंभलगढ़, जैसा कि आपको पहले बताया। मगर सच कहूँ तो ये जगह और इस जगह के जाने वाला रास्ता ये इतना खूबसूरत है कि हम मजबूर हो गए यहाँ पर रुकने के लिए। आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ पर आके इन अरावली रेंज की वादियों से बात करनी चाहिए, यहाँ बहने वाली हवाओं को महसूस करना चाहिए। ये कमाल की जगह है। तो हमारे पीछे घाटियाँ ही घाटियाँ हैं, हम इस पूरी घाटियों से भरे हुई जगह पर बीचों बीच चल रहे हैं, और कुंभलगढ़ भी वहीं पर मौजूद है। इसके बारे में फैक्ट आपको आगे बताएंगे, मगर फिलहाल के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ आइएगा तो बहुत सारे मज़े करिएगा। तो इससे पहले कि हम कुंभलगढ़ दुर्ग को या फोर्ट को देखें, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लें कि कुंभलगढ़ की ये बेल्ट जहां पे ये दुर्ग बसा हुआ है, यहां बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारी प्रकृति है, जीव हैं, और ये सब संरक्षण में है, सरकार के संरक्षण में। नाम दिया गया है कुंभलगढ़ सेंचुरी, जो कि लगभग 610 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और लगभग 20 बाघों तक यहाँ पे समाने की कैपेसिटी है। पिछले 5 दशक पहले यहाँ पे बाघ वगैरह देखे जा सकते थे, मगर अब बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से वो नहीं देखे जा सकते। मगर सरकार इन बाघों को और एशियाटिक लायन जो हमारे गिर में मिलते हैं उनको वापस से रीइंट्रोड्यूस कराने की बारे में सोच रही है। मगर फिलहाल यहाँ का एपेक्स प्रेडेटर, या कहें कि सबसे बड़ी विडाल वंश का बिल्ली का जीव, वो है तेंदुआ उर्फ लेपर्ड। तो कुंभलगढ़ में कभी भी आइए, ये खूबसूरत जगह, ये आपको एक खूबसूरत एक्सपीरियंस देने वाली है। यहाँ पे हिस्ट्री और नेचर दोनों साथ साथ विराजमान है। मगर आज के इस श्रृंखला में, इस वीडियो में, हम अनफॉर्चुनेटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सिर्फ हिस्ट्री को कवर करेंगे कवर कुंभलगढ़ को, वो कुंभलगढ़ जिसको राणा कुंभकर्ण ने बनवाया था, उर्फ राणा कुंभा ने। तो बने रहिए हमारे साथ गो वाइल्ड इन इंडिया। चौदह में पिताजी की हत्या के बाद राणा कुंभा कम उम्र में ही भागकर मेवाड़ की राजधानी दुर्ग चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं, और समय के साथ बाद में अपने प्रबल शासन और महान शख्सियत के तौर पर उन्हें अभिनव भारताचार्य, हिंदू सुरतान, हाल गुरु, राणो रासो और लगभग 108 कुल उपाधियों से नवाजा गया है। बता दूं
कि ये हिंदू सुल्तान नहीं बल्कि हिंदू सुरताण के नाम से भी जाने जाते थे, जो सुरों को समझता है, जो तानों को समझता है, जो म्यूजिक को समझता है, प्रकृति को समझता है और अपने आसपास बहने वाले सारे धर्मों को समझता है, सबकी बराबर इज्जत करता है। इसलिए राणा कुंभा अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके कार्यकाल में कई सारे जैन मंदिर तक भी अपने दुर्ग में बनवा दिए गए। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कुंभलगढ़, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया, महाराणा कुंभा का पूरा नाम कुंभकर्ण था, और जो कि 1433 में जन्मे थे और जिनका देहांत 1468 में हो गया था। मगर आज तक भी यह हिस्ट्री ही है कि आखिर राणा कुंभा का देहांत कैसे हुआ था। मगर फिर भी कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है कि राणा कुंभा जब अपने शिव टेम्पल में अपने भोलेनाथ की जब पूजा कर रहे थे, तब स्वयं उनके बेटे ने आकर उनका सर काट दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि महाराणा कुंभा का काल ही स्वर्ण काल था, खासकर मेवाड़ सल्तनत के लिए। तो महाराणा कुंभा ने अपने जीते जी, जो अब तक के मेवाड़ के 84 बड़े किले माने जाते हैं, उसमें से 32 का निर्माण स्वयं खुद करवाया था। मगर इन सब में कुंभलगढ़ को सबसे महान बताया गया है। उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ यूनेस्को वर्ल्ड साइट में भी शामिल है तथा पूरे 15 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इन रास्तों पे चलना, इस दुर्ग में घूमना, यहाँ पे सांस लेना, ये एक गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि राणा कुंभा अकेले ऐसे राजा थे, खासकर राजपूत रूलर्स में, जिनको कभी कोई भी हरा ना सका, जिसने कभी हार का स्वाद ही नहीं चखा था। तो कुंभलगढ़ की सीधी चढ़ाई कैसी लग रही है आपको? वैसे ये बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है, मगर फिर भी आप यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप इन्हें खुशी खुशी यूं ही चढ़ जाएंगे। मगर फैक्ट यहाँ पर ही नहीं था, आज हम बात करेंगे कि कुंभलगढ़ आखिर कुंभलगढ़ अब बना कैसे। तो आइए बने रहिए साथ में। तो होता यह है कि जब महाराजा कुंभा ने सोचा कि वो यहाँ पर एक बड़ा कुंभलगढ़, एक बड़ा गढ़ बनाएंगे, एक बड़ा फोर्ट बनाएंगे, तो महाराजा कुंभा के सामने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी थी। परेशानी ये थी कि उन्होंने इस जगह को चुन तो लिया था, मगर जब भी वो यहाँ पे निर्माण शुरू करते, दीवारें बनाते, तो वो दीवारें अपने आप ढह जाती थी अगले दिन ही। ऐसा करीब 3-4 बार लगातार चलता रहा, और जब उन्होंने अपने पंडितों से, अपने शास्त्रियों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि कुंभलगढ़ में आप ऐसे ही, खासकर इस पहाड़ी पे, आप ऐसे कुछ निर्माण नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे भैरवनाथ बाबा जो ऊपर रहते हैं, उनके एक मुलाजिम है, और उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, शायद वो इस बारे में कुछ कर सके। तो महाराजा कुंभा ने भैरव देवता को, जो यहाँ पे प्रसिद्ध थे, बता दूं कि वो भैरव देवता के अंश थे, तो उन्होंने भैरव देवता को बुलाया, उनसे बात की, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे माता जी का खास करके प्रकोप है और यहाँ पर कुछ भी बन नहीं सकता आसानी से। मगर बन सकता था, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी शर्त थी। शर्त ये थी कि अगर कोई मानव अपनी मानव बलि स्वेच्छा से, खुशी खुशी दे इस निर्माण के लिए, माता को अर्पित कर दे अपना सर, अपना शीश, तो शायद ये बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ, पूरे गांव में खबर पहुंचा दी गई, पूरे गांव में बता दिया गया कि एक स्वेच्छा से देने वाली चाहिए, मगर देने के लिए आगे कोई नहीं आया। मगर अंत में खुद भैरवनाथ जी के वंश, भैरव बाबा ने ये चीज स्वीकारी और बोला कि आपके निर्माण के लिए मैं अपनी स्वेच्छा से माता को बलि दूंगा, और उन्होंने बलि दी। और इसी कारण है कि आज हम कुंभलगढ़ में घूम पा रहे हैं। वैसे तो इसके पीछे और कई बड़ी बड़ी कहानियां हैं, जैसे कि उन महाराज ने बोला था कि जहां पे मेरा सर गिरेगा वहां से आप स्थापना करेंगे कुंभलगढ़ की, और जहां तक मेरा शरीर बिना सर के चला जाएगा
वहां तक कुंभलगढ़ बनाया जाएगा, तो लगभग 700 मीटर तक वो बिना शीश के, बिना सिर के बस चलते रहे पहाड़ी की चोटी तक। और जहां वो रुके, जहां उनका शरीर थक के गिर गया, वहां पे कुंभलगढ़ की सीमा खत्म कर दी गई, खास करके फोर्ट की। तो इस फैक्ट के साथ इस जगह को घूमना और भी खूबसूरत हो जाता है। तो आइए, बने रहिए गो वाइल्ड इन इंडिया। आपको एक बात और भी बता दूं इस जगह के लिए खास। वैसे कुंभलगढ़ अपने आप में बहुत ऊंचाई पर है, मगर बनाने वालों ने इसको इस तरह से बनाया, या इस जगह को, इस पहाड़ी को इस तरह से चुना कि हम अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच है, और कोई भी दूर से इस चीज को देख के पता नहीं लगा सकता कि यहाँ पर कोई फोर्ट है। मात्र 200 मीटर की दूरी से ही आपको कुंभलगढ़ दिखता है, किन्हीं किलोमीटरों से आपको वो नहीं दिख सकेगा। तो आइए कुंभलगढ़। तो आप सोच रहे होंगे कि राजपूत शासक इतने ऊंचे क्यों थे? आखिर पूरे भारतवंश में, पूरे विश्व में राजपूत्स का, राजपूत रूलर्स का या राजाओं का नाम क्यों था? महाराणा प्रताप, कुंभा, ये सब इतने फेमस क्यों थे? बहुत काम की चीज दिखाता हूँ आपको, साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम जिस जगह खड़े हैं वो छोटी सी राजपूत शासन की आर्टिलरी यूनिट है। हम जो देख रहे हैं ये कैनन्स, ये छोटी छोटी तोपें, बहुत ज़्यादा अपने टाइम के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक थी, दूर तक गोले दाग देने के लिए फेमस। और आइए मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस तोप का मुंह उधर की तरफ है, हालांकि इस तोप को डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मगर इन छेदों से ही इस तोपों को उधर कर दिया जाता था, मुँह इनका उधर रहता था, और आप इजीली एम लेके अपने दुश्मनों पे चढ़ते हुए, दुश्मनों पर चढ़ाई करते, दुश्मनों पे आप एक भारी भरकम बाधा बन सकते थे। कितनी सारी तोपें, कितनी सारी कैनन, और हिस्ट्री का एक शानदार मास्टरपीस, एक शानदार नमूना। पता नहीं, हमारे यहाँ पे आज भी जो घर बनते हैं थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी सर्दी गर्मी में कैसे चूक जाते हैं या लीक कर जाते हैं, मगर ये कई सालों पुराना विराट फोर्ट आज भी खड़ा हुआ है, जस का तस, ऐसा का ऐसा, कोई नुकसान नहीं। राजसंबंध में झीलवाड़ा नामक जगह पर राणा मुगल यानी कि राणा कुंभा के पिता का एक शिविर लगा हुआ था, तथा गुजरात के अहमद शाह से युद्ध की तैयारी चल रही थी, मगर जैसा कि भारत में सदैव होता आया है, धोखा हुआ, एक बार फिर से गहरा धोखा। राणा मोकल को उन्हीं के शिविर में उन्हीं के साथियों ने, चाचा मेहरा, महपा पवार ने धोखे से कुंभा के पिता राणा मोकल की हत्या कर दी। तो कुंभलगढ़ में आप जब आते हैं तो आप कई सारे गेट्स देखेंगे, मगर उसमें से एक खास गेट ये है, पागड़ा पोल। पागड़ा पोल की खास बात ये थी कि जब भी आप यहाँ पे किसी राणा फैमिली से या हिज हाइनेस की बड़ी फैमिली से मिलने आते थे, तो आपको हमेशा एक पगड़ी पहननी पड़ती थी उनके रिस्पेक्ट में, और इसी वजह से इस जगह का नाम रखा गया पागड़ा पोल। आपको उनको इज्जत देने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि आप सबसे ऊँचे हैं और आप रक्षक हैं, आपको पगड़ी पहननी पड़ती थी। बता दूं कि महाराणा प्रताप भले चित्तौड़गढ़ से फेमस हो, मगर उनका जन्म स्थल यही है, कुंभलगढ़। चाचा मेहरा, महपा पवार की तलवारें अब राणा कुंभा को भी ढूंढ रही थी, जो मात्र उस वक्त 13 वर्ष के थे, मगर किसी तरीके से राणा कुंभा बचने में सफल रहे। उनको उनके सच्चे वफादारों ने किसी तरह से सुरक्षित चित्तौड़ दुर्ग पहुंचा दिया। दादी हंसाबाई ये सब देखकर बहुत दुखी थी,
मगर हंसाबाई ने पहले भी ये देखा था। अपने पति और बेटे को खो चुकी हंसाबाई अब किसी भी कीमत पर राणा कुंभा को खो नहीं सकती थी, और फिर अपने इकलौते को खो देना वो कैसे होता। और इसलिए उन्होंने अपने भाई राणा रणमल को पहले की तरह फिर याद किया, जब पूर्व के समय में भी यही स्थिति हंसाबाई को देखनी पड़ी थी। और राणा रणमल राणा मोकल के संरक्षक बने थे। एक बार फिर से आज राणा रणमल को याद किया गया है ताकि वो राणा कुंभा का संरक्षण कर सके, उनके संरक्षक बनके। और आखिर ऐसा क्यों ना होता, आखिर राणा कुंभा के पिता राणा मोकल के भी संरक्षक राणा रणमल ही थे। तो जो मैंने नहीं देखा, जो शायद आपने भी अभी तक नहीं देखा, हम मुझे मिलकर साथ देखेंगे। आइए। कितना खूबसूरत है ना अरावली पर्वतमाला पर बसा ये कुंभलगढ़, और जिसकी इतनी हिस्ट्री है, जिसके इतने रंग हैं, और आखिर न जाने क्या क्या न देखा होगा इस कुंभलगढ़ ने। तो अपनी कहानी को जारी रखते हैं। चाचा मेरा और महपा तीनों भाग चुके थे, मगर राणा मल ने किसी तरह भीलों की सहायता से खोज कर चाचा और मेरा को तो बहुत बुरी तरीके से मारा। प्रतिशोध का एक ऐसा बदला लिया जिससे कि पूरे मारवाड़ और मेवाड़ में राणा रणमल रातों रात प्रसिद्ध हो गए। चाचा और मेरा दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर महपा पवार भाग निकला और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के संरक्षण में जाकर छिप गया। प्रतिशोध तय था, लड़ाई तय थी, और राणा कुंभा ने कसम खाई कि वो किसी भी तरह से महपा पवार को मार देंगे और बदला लेंगे अपने पिता का। प्रतिशोध पूर्ण होके रहेगा। हमारे सामने है मां दुर्गा जी का एक शानदार मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे माँ दुर्गा विराजमान है, और उनके लिए पिछले 700 साल से अखंड ज्योति चल रही है, कभी ना बुझने वाला दिया। पुजारी की फैमिली, जो पुराने पुजारी थे, वो आज भी यहाँ पर हैं, और उनके वंशज आगे आके लगातार यहाँ पे उन दियों में ईंधन डाल रहे हैं। उस लौ को कभी बुझने नहीं दिया गया। क्या बात है। तो अखंड ज्योति तो आपने देख ही ली। राणा कुंभा साहब माँ दुर्गा के परम भक्त थे, मगर अब हम जिस जगह खड़े हैं, ये बात जानकर आपको और खुशी होगी, इस बात से आपको और पता लगेगा कि कुंभा साहब का कद कितना ऊंचा था। हम जहाँ खड़े हैं, ये पूरा कुंभा पैलेस है, ये उनका घर था, ये वही वो यहीं रहा करते थे। मगर उन्होंने अपना घर छोटा रखा, मगर अपने मंदिर को कई बड़ा। जरा देखिए इसको, कितना खूबसूरत और हमेशा जलने वाली ज्योत। इस मंदिर की बात ही अलग है, और इस बात से हमें पता चल जाता है कि राणा कुंभा का कद कोई आसान नहीं था, वो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान थे। आइए। हम एक गुंबज पे खड़े हैं,
जहां से आप पूरा कुंभलगढ़ देख सकते हैं। मगर मैं आपको कुंभलगढ़ की एक और खास बात दिखाना चाहता हूं, जो शायद मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं। भारत की सबसे लंबी वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कुंभलगढ़ में ही है। ये लगभग 37 किलोमीटर लंबी है और पूरे कुंभलगढ़ के इस प्लेटफॉर्म को, इस पूरी पहाड़ियों को ढक लेती है। 37 किलोमीटर लंबी वॉल, ये बहुत बहुत ही लंबी होती है। और मैं चाहता हूँ आप इस वॉल को ध्यान से देखें। ज़रा देखिए, ये वॉल ठीक हमारे सामने से नीचे से शुरू होती है और ये फिर घूमती हुई बहुत पीछे जाती है। और मैं जानता हूँ कि अब शायद मेरा GoPro इसको फिल्मा भी ना पाए, मगर हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये वॉल अभी भी कंटिन्यू है और दूर उन पहाड़ियों के पीछे ये वॉल वहाँ तक कंटिन्यू है और पूरा समीकरण बनाती है, एक सर्कल बनाती है इस फोर्ट के आसपास, इस यहाँ की इस बिरादरी के आसपास। क्या खूबसूरत जगह है। और अफसोस, हम थोड़ा ऊपर आए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल यही है, उनका जन्म यहीं पर हुआ था, मगर किसी कारणवश यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हम इस जगह को तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, मगर जो जो खुला है आप ज़रूर देख ही रहे हैं। मगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमारे वीडियोज़ को प्रमोट कर सकते हैं, हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। बताइएगा कि आपको ये कुंभलगढ़ की जर्नी कैसी लगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे अच्छे से बना सकूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी, शुक्रिया। तो राजा, प्रजा, इस सब के बारे में आपने सुना होगा। राजा और राजमहल जो हम ऊपर घूम के आए, और प्रजा जहाँ पे राजा के सारे पुरानी प्रजा पूरी रहती थी, वो यही है। ये लोग आज भी ऐसे के ऐसे ही बसे हुए हैं, बस घर पक्के हो चले हैं, मगर वही मंदिर, वही जैन मंदिर, वही घर और वही लोग। कुंभा भले ही राजा थे, मगर कम उम्र की वजह से राज्य का सारा दाम अवदार रणमल के हाथ था। रणमल अपनी ताकत बढ़ाने लगा और एक दिन लालच इतना बढ़ गया कि रणमल ने राणा कुंभा को खत्म करने की राजगद्दी हथियाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर जैसा कि कहते हैं, राज किसी के सगे नहीं होते। राणा रणमल के राज खुल गए और हंसाबाई को इस बारे में सब पता चल गया, और इस वजह से हंसाबाई ने अपने पुराने वफादार चूड़ा जी को वापस बुलवाया। वही चूड़ा जी जिनको खुद हंसाबाई ने पहले रणमल जी की वजह से बाहर भेज दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने पौत्र को बचाने, रणमल से बचा सके सिर्फ अपने कुंभा को। चूड़ा जी वापस आए और रणमल की हत्या कर उनके पौत्र को बचाया, राणा कुंभा को बचाया। नजारा खूबसूरत है ना, वो ठीक सामने हमारे ऊपर राजा का महल कुंभलगढ़, जहाँ पे राणा कुंभा विराजते थे, रहते थे। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये है एक खूबसूरत सा मंदिर, एक यज्ञशाला, जहाँ पर पूरे मोहल्ले के पूरे राजवंश और यहाँ पे रहने वाली प्रजा, ये सभी यहाँ पर आके इस मंदिर में यज्ञ किया करते थे। बारिश ना हो तो बारिश मांगा करते थे, या सूखा पड़ जाए तो कुछ और कुछ कुछ, मगर ये चलता रहा। और जैसा कि समय करता है, हर चीज का अंत, आज ये सारी जगह बस सूखी पड़ी है, पर खूबसूरत। कहते हैं कि रणमल के जाने के बाद राणा कुंभा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इतिहास में राजस्थान को बादशाहत प्रदान की। राणा कुंभा जिंदाबाद। तो हमारी जर्नी यहाँ खत्म होने को है और हम वापस से ये पूरा कवर करके, पूरा फोर्ट कवर करके उतर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस लेते हैं अपने संगीत साथियों से, जो कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला का हिस्सा है,
जिसको हम बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। तो पूजा, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत प्यास लग रही थी। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, आपको सिर्फ एंट्रेंस में पानी मिलेगा, बाकी ऊपर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आइए तो अपना पानी, खाना वाना सब लेकर आइएगा। क्या बात है गिल्स, बहुत ही मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस था, और ऐसा फोर्ट वाकई में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वर्थ है, इट इज वर्थ इट सीरियसली। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। गो वाइल्ड इन इंडिया। तो कुंभलगढ़ की थकान के बाद दिन खत्म होने को है, मगर रात अब भी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, खाना बाकी है और गाना बाकी है। इसी के साथ आपसे विदाई चाहेंगे। इस गाने को एंजॉय करें, इस एम्बियंस को एंजॉय करें, और हमें अपना सपोर्ट दें, प्रोत्साहित करें। गो वाइल्ड इन इंडिया। दाल बाटी खा ले आके मारे चांदनी चांदनी मन ब्राह्मण में बांधी खुशी रे झुम 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 चांदनी बल ब्राह्मण।